नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। आइए देखते हैं जगदलपुर की खबरें। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस की तरफ से लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं जो किसी गंभीर साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस द्वारा हो रही गहरी साजिश इनके नेताओं के जुबान पर बार बार आ रही है। आखिर क्या है मामला? कांग्रेस के बयान न केवल पाकिस्तान खालिस्तानी बल्कि नक्सलियों जैसे हो रहे हैं। यह सभी एक ही भाषा बोल रहे हैं। केदार कश्यप ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से बुरी तरह परास्त हुई कांग्रेस अब बौखलाहट में किसी भी हद तक जा सकती है। हम सभी को इसे सावधान रहने की जरूरत है। भाजपा जिला कार्यालय में आज प्रेस वार्ता में वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस की ओर से एकाएक हिंसक बयानों की बाढ़ आ गई है। बस्तर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने जनता के बीच कहा कि कवासी जीतेगा मोदी मरेगा, यह नाहक दिया गया बयान नहीं है। कवासी लखमा वैसे भी झीरम कांड समेत अनेक मामलों में संदिग्ध रहे हैं। झीरम कांड का सबूत भूपेश बघेल भी अपने जेब में होने की बात करते रहे हैं, जबकि आज तक उन्होंने कोई साक्ष्य नहीं दिए हैं। कश्यप ने कहा कि कुछ दिन पूर्व राजनंदगांव में भूपेश बघेल के नामांकन रैली में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने खुलेआम कहा था कि लाठी से मोदी का सर फोड़ दें, ऐसा सांसद चाहिए। शिव डहरिया केवल गाली दे सकते हैं मोदी को, जबकि भूपेश बघेल सर फोड़ सकते हैं। मोदी को परेशान करने चीन भेज देना चाहिए। ऐसे ही मोहला मानपुर के नक्सली सुरजू टेकाम ने कांग्रेस विधायक के मंच पर रहते हुए यह आह्वान किया था कि भाजपा के लिए वोट मांगने आने वाले को काट देना चाहिए। बाद में वहां एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या भी हुई। केदार कश्यप ने प्रश्न उठाते हुए कहा कि क्या यह सभी कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रवास के दौरान उन्हें घेर कर मारने की साजिश रची गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी बाल बाल बचे थे। खालिस्तानियों की रैली में भी मर जा मोदी के नारे लगते रहे हैं। हाल ही में एक अखबार में यह रिपोर्ट की है कि नक्सली बकायदा कांग्रेस को वोट देने के लिए लोगों को डरा धमका रहे हैं और नहीं मानने पर हत्या आदि की धमकी दे रहे हैं। केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस व उनके नेताओं का वर्तमान आचरण और बयान लोकतंत्र के निर्धारित मापदंड से बिल्कुल विपरीत हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का विकास कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी पराजय स्पष्ट दिखाई पड़ रही है, जिसकी बौखलाहट में कांग्रेस और उनके नेता साजिश करने पर आम अदा हैं, जो उनके बयानों से परिलक्षित हो रहा है। उन्होंने भी उस रैली में जो बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि लाठी से मोदी जी को उसका को फोड़ देना चाहिए, ऐसा सांसद चाहिए, ये उनका वक्तव्य। अनेक ऐसे उदाहरण है जो सभा में मंच में कहता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को काट देना चाहिए, मार देना चाहिए, हत्या की बात और उसके कुछ समय बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या। तो क्या ये सब जो प्रायोजित हो रहा है पूरी तरीके से क्या कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहा है? कांग्रेस पार्टी कभी उनको घेर के मारने की बात करते हैं। और मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, पंजाब में उससे पहले जब माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्रवास था तब उन्हें घेर कर मार लाने की जो साजिश रखी गई थी, पूरा देश पूरा दुनिया उसको देख रहा है, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी भी प्रधानमंत्री के पालन में थे। वी टाइम न्यूज के लिए जगदलपुर से बासुकी ठाकुर की रिपोर्ट।